वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से खेलने वाले माइनक्राफ्ट हार्डकोर सीरीज। तो पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने हार्डकोर सीरीज में एक हाउस बनाया था, वो भी सर्वाइवल। अभी आप लोग मेरे सामने देख ही सकते हो कि मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया था। अभी इसे पूरा नहीं बनाया है, ये सिर्फ अभी सिंगल लेयर है। इसके ऊपर और एक आने वाला है फ्लोर। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल पर कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और जो बाजू में बेल आइकन उसे प्रेस कर देना ताकि जो आने वाले मेरे नए नए वीडियो आपके पास तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। ओके सो अभी हम लोग गाइस, मतलब मेरी वीडियो एंड बारिश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता ना गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से एक बार सुबह हो चुकी है। तो यहाँ पर एक थोड़ा बहुत हे बेल है, इसे मैं कलेक्ट करके अपने इन्वेंटर में ले लेता हूँ। अभी हम लोग जाने वाले एक केव में, एंड पता नहीं मैं वहां से जिंदा आ पाऊंगा या फिर नहीं। अगर मेरे पास क्रिपर अगर फट गए तो गाइस, आप लोगों को पता है हार्ड कोर के अगर आपके पीछे क्रिपर फट जाते हैं कुछ नहीं, आपका गेम सीधा एंड हो जाएगा। तो आप लोगों को एक न्यू रिस्पॉन पॉइंट मिलेगा, फिर से आप लोगों को वही चीजें करनी पड़ेगी जो मैंने इतनी सारी चीजें कर ली है। बट मुझे फिर से वैसा कुछ नहीं करना है। तो अभी हम लोग एक प्यारे से केव ढूंढ लेते हैं। बट उससे पहले मेन चीज ही भूल गया गाइस, अभी मुझे आयरन मतलब खोदना है। तो उसके लिए मुझे पिकेक्स तो चाहिए होगी ना। मेरे पास आई थिंक सो ओनली स्टोन की पिकेक्स होगी, मतलब बनानी पड़ेगी स्टोन की, क्योंकि मेरे पास आयरन अभी खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे कुछ टूल्स ले लेता एंड कॉबल स्टोन ले लेता। तो अभी एक केव देख लेते हैं जहाँ पर मुझे अभी केव मिलेंगे, हम लोग अंदर चल जाएंगे। एंड मुझे आई थिंक सो 29 के आयरन की जरूरत लगती है, मतलब पूरा का पूरा डायमंड आर्मर बनाने में। यहाँ पर तो छोटे से केव है। वेट गाइस, मुझे एक और चीज लेकर आनी थी और वो मैं भूल गया, क्योंकि केव के अंदर अभी आप लोगों को शेडर के वजह से आप लोगों को अंधेरा दिखाई देगा, उसके लिए टॉर्च तो लगेगी। ओके सो गाइस, मेरे सामने आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर रिवीन है। नहीं नहीं भाई, ऐसी गलती नहीं मेरे को करनी है। ओके वहां से पानी जा रहा है ना, तो मैं पानी के साथ मदद से नीचे जाना चाहूंगा। अभी मुझे सिर्फ आयरन ढूंढ कर निकालने हैं। आयरन कहाँ पर मिलते हैं गाइस? सीधा डिप्लेट आ चुके हैं, मतलब हम लोगों को डायमंड भी मिल सकते हैं। ओके सो आप लोग देख सकते हो कि सामने आयरन है, तो मैं आयरन लेना पसंद करूंगा अभी फिलहाल के लिए। गाइस जॉम्बिस के स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग देख ही सकते हो। हाँ तो जलकर ही मर, जलकर ही मर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके यहाँ पर थोड़ा प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ ताकि आयरन मेरा नीचे ना चला जाए। और मैंने कहाँ पर देखा था उसे, नीचे माइनशाफ्ट भी है। व्हाट, किसका आवाज आया? ओके सो यहाँ पर है फर्स्ट हमारा आयरन, यहाँ से फिर इसके पे अनलॉक हो चुके हैं। सो ओके अभी मुझे यहाँ से चार आयरन तो मिल चुके हैं। पर लैपिस लाजुली, लैपिस लाजुली की अभी हम लोगों को जरूरत नहीं है, वहां पर आयरन भी है। बट वेट है गाइस, मैं यहाँ पर जाने की ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पर माइनशाफ्ट है, माइनशाफ्ट में अगर हम लोग को चेस्ट वगैरह मिल गई। ओके गाइज यहाँ पर थोड़े बहुत आयरन है, इसे लेफ्ट हैंड में पकड़ लेता हूँ। अभी मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए, यहाँ पर क्रीपर वगैरह भी आ सकते हैं, इस वजह से मैंने इसे पैक कर लिया। फटाफट से आयरन को कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके सो अभी दो ही आयरन है। ओके सो गाइज यहाँ पर अभी मुझे माइनकार्ट विद चेस्ट मिली है, अभी देखता है इसमें क्या क्या है। गाइज गोल्डन एप्पल एंड तीन आयरन मिल चुके हैं, थोड़ा बहुत लैपिस लाजुली भी है, थोड़ा बहुत रेल भी है, बहुत अच्छे बात है। यहाँ पर टॉर्चेस है तो इसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर गोल्ड भी है बट गोल्ड की अभी हम लोग को जरूरत नहीं है। ओके यहाँ से थोड़ा बहुत आयरन मैंने कलेक्ट कर लिया है। ओके सो यहाँ पर भी, यहाँ पर आगे डेड एंड है तो यहाँ से कोई नहीं आ सकता, तो मैं यहाँ से फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके सो अभी ये मर चुका है। मैंने कितने मतलब दो या तीन बार मैंने इसे हिट किया तब जाकर वो मर गया है, मैं कहाँ से आया था वो भी मुझे याद नहीं यार। ओके तो यहाँ पर दो और आयरन मुझे मिल चुके हैं, तो इसे भी फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके सो मैं वहां से ही बाहर आ गया जहाँ से मैंने एंट्री ले ली थी। मैं ये लगा देता हूँ ताकि मुझे आसानी मतलब पता चले कि मैं कहाँ से आया था। गाइस यहाँ पर फर्स्ट डायमंड है तो मैं लेना चाहूंगा। एक काम कर लेता हूँ, फटाफट से एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ एंड अभी एक स्मेल्टर भी बना लेता हूँ, फर्नेस बना लेता हूँ। एंड फर्नेस में ओके तीन आयरन तो है ना मेरे पास, अभी इसकी जरूरत नहीं है, बस अभी मुझे दो स्टिक्स की जरूरत है। तो अभी मैंने एक आयरन के पिकअप बना लिए एंड अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरे सामने एक डायमंड है। तो न्यू एडवांसमेंट आ चुके हैं, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत नहीं ज्यादा ही है आयरन, तो इसे फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ।
ओके सो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसे फटाफट से कलेक्ट करके, ओके तो मैं यहाँ से आया था ना। ओके सो गाइज अभी आप लोग देख सकते हैं सामने एक और चेस्ट है, तो वहाँ पर मैं अभी जाकर देखने वाला हूँ। नहीं नहीं गाइज ये वही वाली चेस्ट है, और गोल्ड भी है, तो आते यहाँ इसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज क्या डरावने आवाज आ रहे हैं यार, यहाँ पर थोड़ा बहुत रेड स्टोन है, रेड स्टोन को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। इतना हो चुका है अभी मेरे पास, 21 आयरन हो चुका है, अभी मुझे थोड़ी की ही जरूरत है। अभी दूसरे साइड जाकर देख लेता हूँ, अगर मुझे दूसरे साइड पर अगर आयरन मिल गए तो हमारा काम बन जाएगा ना। 29 के आई थिंक से जरूरत होती है हम लोगों को। ओके फाइनल गाइस मैं अभी अपने घर पर वापस आ चुका केव में से, एंड मुझे आप लोग देख ही सकते हो कि मुझे यहाँ पर 35 रॉ आयरन मिल चुके हैं। तो अभी मैं इसे सीधा जाकर अभी स्मेल्टर पर डालने वाला हूँ, न्यू हाउस पर ही अभी स्मेल्टिंग कर लेते हैं फटाफट से। एंड अभी मेरे पास स्मेल्टिंग के लिए कुछ नहीं है, तो मैं अभी प्लैंक से डाल देता हूँ, और वहां से मैं मेरा एक और ये लेकर आ जाता हूँ, फर्नेस लेकर आ जाता हूँ। ओके सो अभी मैंने इसे दोनों को मिस बेल्टिंग पर मैंने रख दिया है। आप लोग देख सकते हो कि मुझे उस चेस्ट में से एक गोल्डन एप्पल भी मिल चुका है, एंड एक डायमंड भी मिल चुका है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं डायमंड का कुछ बना नहीं सकता शवल के अलावा, बट अभी शवल को हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है ज्यादातर तक। ओके जब तक स्मेल्ट हो रहा है तब तक मैं काम कर रहता हूँ, वहां से बेड उठाकर यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि अभी हमारा मेन हाउस यही होने वाला है। यहाँ पर कुछ लैंटर्न वगैरह भी है, इस चेस्ट में जितना सारा सामान है वो अभी मैं कन्वर्ट उस वाले में शिफ्ट कर दूंगा फटाक से। ओके इसमें भी थोड़ा बहुत गोल्ड है, लैपिस लाजुली भी है। ओके तो मैंने ऐसे बेड को कलेक्ट कर लिया है, अभी काम कर लेता हूँ, यहाँ पर ही बेड डाल देता हूँ और यहाँ पर स्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ। अभी मेरे पास एक लैंटर्न भी है, लैंटर्न को यहाँ पर रख देता हूँ। ब्लास्ट फर्नेस भी है, ब्लास्ट फर्नेस को यहाँ पर रख देता। बाकी अभी हम लोग को यहाँ पर चेस्ट वगैरह सब कुछ लेकर आना है। ओके सो अभी मैं यहाँ पर चेस्ट बना लेता हूँ हम लोगों को, यहाँ पर सामान रखने में आसानी पड़ जाएगी। जो भी रेयर आइटम है इसे मैं इसके अंदर रखने वाला हूँ। ओके ब्रीविंग स्टैंड भी है हमारे पास, ब्रीविंग स्टैंड को मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर रख देता हूँ, अगर पोशन वगैरह बनाने की जरूरत पड़ी तो। ओके कुछ रेल वगैरह भी मुझे मिल चुके थे, अभी फिलहाल जो हम लोग को सामान नहीं चाहिए होगा वो मैं यहाँ पर रख देता हूँ कॉबल स्टोन की। गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से एक बार सुबह हो चुकी है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 17 कम्प्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर 18 कम्प्लीट हो चुके हैं, मतलब 35 हमारे पास आ चुके हैं। तो इसे कलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं पूरा का पूरा आयरन में फटाफट से बना लेता हूँ। ओके तो ये आयरन की चेस्ट प्लेट बन चुकी है, आयरन के लेगन्स बन चुकी है, आयरन के बूट्स बन चुके हैं और आयरन का हेलमेट बन चुका है। तो अभी आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने पूरा का पूरा आयरन का आर्मर बना लिया है, वो भी हार्डकोर सीरीज में। सो अभी मेरे पास थोड़ा बहुत आयरन है, एक काम कर लेता हूँ। मेरे पिकैक्स कहाँ पर चली गई, मेरे पिकैक्स आयरन की बनाई थी यार, आई थिंक सो गिर गई होगी यार, मैंने गलती से क्यों दबा दिया। एक काम कर लेता हूँ, एक और आयरन की पिकैक्स बना लेता हूँ, और जो बाकी का आयरन है उसे संभाल कर मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो ओके गाइज आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को आज की ये वाली वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और जो बाजू में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना, ताकि जो आने वाले मेरी नई नई वीडियो है आपके पास जल्दी जल्दी पहुंचे। ओके तो अभी आप लोगों ने देखा है कि मैंने पूरा का पूरा आयरन का आर्मर बना लिया है मेरे बंदे के लिए। ओके सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, लीव अ लाइक एंड नमस्ते गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल। मैं अभी आप लोगों को मिलता हूँ एक और नए हार्डकोर के एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय।